निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम रुड़की 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 मुर्दाबाद, नगर निगम शुभ नाम है आपका? संजय प्रजापति। प्रजापति जी, जैसे समस्याएं लगातार बढ़ भी रही हैं, अभी आपको उम्मीद थी कि नए नगर निगम में जुड़ेगा, नगर निगम में जुड़ भी गया लेकिन आज तक कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है जी, कल हम नगर निगम में गए थे, कल 9 तारीख थी, आज 10 तारीख है। हमें कहा भाई नगर निगम में इसके बस का कुछ समाधान है नहीं, आप मुख्यमंत्री लेवल का काम है। ये किसने कहा? ये अनूप शर्मा जी ने। कौन है अनूप शर्मा? वही मेयर साहब के प्रतिनिधि। अच्छा, उन्होंने बोला ये मेयर साहब के लेवल का काम नहीं है और ये मुख्यमंत्री के लेवल का काम है, आप वहाँ जाइए, यहाँ से समस्या का समाधान नहीं है, ये बोला गया हमें वार्ड नंबर 9 से। शुभ नाम क्या आपका? मैं दारा सिंह, पूर्व प्रधान मोर्चा, वार्ड नंबर 9 नगर निगम। क्या लगता है कि आपको ये समाधान हल हो पाएगा नगर निगम में? बहुत सुंदर गाँव था जी, मेरे गाँव में कोई समस्या नहीं थी, 10 साल में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका मैंने समाधान न किया, लेकिन 10 साल में कुछ तो प्रधानों की मेहरबानी से उन्होंने काम नहीं किया। और अब नगर निगम वाले से लगा था कि मेरे गांव का नंबर सबसे पहले आएगा, मेरे गांव का नंबर सबसे पहले आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गांव में काम ही नहीं होने का। जहां शहर में सड़कें चमकी पड़ी, दोबारा काम हो रहा, यहां मेरे गांव के बच्चे कैसे जा रहे हैं, ये तकलीफ जी। ये कुछ लोग अपने घर के बाहर जल वो खुद ही अपने पैसों पे पानी से उससे निकाल लें, मिट्टी डाल लें अपने पैसों से। अच्छा, आज नगर निगम में जाने के बाद, वोट देने के बाद अगर आदमी खुद पैसे से मिट्टी डालेगा, खुद है हमारे यहाँ इंजन लगा पानी निकासी के लिए, हत्ती उठा लेंगे, इंजन की हत्ती उठा लेंगे, मैंने पैसे से खरीद कर हत्ती मंगाई, उसके बाद पेट्रोल डीजल अपने पैसे से। गाँव वालों को पूछो जिन्होंने वो 50-60 घंटे चला, तो मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिला नगर निगम से। नगर पाइप लाकर ना बिछा दिया सड़क पर, लोगों ने उस पर ट्रैक्टर ट्राली है वो चढ़ा के सब वो पाइप बराबर। अच्छा, तो नहीं तो मेयर साहब से कोई सपोर्ट नहीं मिली? मेयर साहब तो यहाँ गांव में आगे लिख रहे, मेयर साहब को तो हमने बहुत कुछ सोचा था, मगर मेयर साहब तो पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन मेयर साहब ने तो कुछ भी नहीं करा, मेयर साहब तो खत्म ही हो गए, बेकार ही हो गए। पार्षद, शुभ नाम क्या आपका? मैं मयंक पाल सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 9 नगर निगम रुड़की से। 6 महीने आपके कार्यकाल को हो गए, क्या क्या समस्याएं रहती हैं और निराकरण होता है कि नहीं होता, इस बारे में बताइए। यहाँ पर जो मेन समस्या है वो पानी की है, आज तक पहले भी कभी यह समस्या का समाधान नहीं हुआ और जब से नगर निगम में आया तब से और ज्यादा बुरे हाल होते जा रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर कोई आके देखता नहीं है, एक बार पहले बहुत पहले मेयर साहब को भी कहा था आने के लिए कि एक बार आप मुआयना तो करिए, MNA मैम एक बार आई थी वो मुआयना करके चली गई थी, उसके बाद भी यहाँ से जल निकासी के लिए कोई समाधान नहीं ढूंढा गया। अच्छा, अभी क्या है, देखिए अभी जैसे आप बता रहे हैं ये तो है, अब डेंगू भी आने वाला है, डेंगू आने वाले, मलेरिया आने वाले, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो गंदे पानी से होती हैं, और आने वाले टाइम में बरसात जैसे जैसे बढ़ेगी पानी का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर रोड के लेवल में चल रहा है पानी, जो यहाँ पर झोड़ है ये झोड़ यहाँ से काफी पीछे है और ये यहाँ पर सारे प्लॉट है, इन प्लॉट में पानी भरा हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जैसे बहुत ज्यादा इसमें गुस्से में नजर आ रहे हैं, तो क्या आप कोई स्टेप लेंगे इसमें, क्या कुछ? मैं अभी तक तो कुछ स्टेप ले चुका हूं और आगे आने वाले टाइम में अगर यहां पर नगर निगम की तरफ से कोई समाधान नहीं होता या कुछ भी, तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा आने वाले टाइम में, कुछ ही समय के अंदर।